subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मास महाराजा सुपरस्टार अजय देवगन सर की फिल्म आने वाली फिल्म मैदान के बारे में। तो दोस्तों, आप भी अगर अजय देवगन सर के ट्रू फैन हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हाल ही में अजय देवगन सर की फिल्म तानाजी बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचा रही है, एक के बाद एक कई कीर्तिमान हासिल कर रही है। बॉक्स ऑफिस को हिला के रख दिया है तानाजी फिल्म ने, और इसी के साथ एक और पोस्टर जारी कर दिया है अजय देवगन सर ने, जिस फिल्म का नाम है मैदान। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अजय देवगन सर की फिल्म आने वाली फिल्म मैदान के बारे में। दोस्तों, मैदान फिल्म एक स्पोर्ट ड्रामा फिल्म है। दोस्तों, आपको बता दूं कि मैदान फिल्म के पहले हमें अजय देवगन सर भुज प्राइड ऑफ इंडिया में दिखाई देंगे, और ये फिल्म सत्य घटना पर आधारित रहेगी। दोस्तों, आपको बता दूं कि अजय देवगन सर ने अपनी करियर की 100वीं फिल्म पूरी कर दी है, जिसका नाम था तानाजी, और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने ब्लॉकबस्टर हिट दे दी है। जिस तरह तानाजी फिल्म बायोग्राफिकल फिल्म थी, इसी तरह मैदान भी एक बायोग्राफिकल फिल्म है। दोस्तों, मैदान फिल्म को डायरेक्ट किया है अमित शर्मा ने, और मैदान फिल्म का डायलॉग लिखा है रितेश शाह ने, और मैदान फिल्म का जो म्यूजिक दिया है वो अमित त्रिवेदी ने दिया है। दोस्तों, आपको बता दूं कि मैदान फिल्म रिलीज होगी 27 नवंबर 2020 को। और दोस्तों, इस फिल्म में हमें अजय देवगन सर एक कोच का किरदार करते नजर आएंगे, जो कि अपने करियर में पहली बार करते नजर आएंगे ये रोल। इस फिल्म में अजय देवगन सर का नाम रहेगा सैयद अब्दुल रहीम, और इस फिल्म में उनका साथ देगी उनकी वाइफ के रोल में प्रिया मानी, और इस फिल्म में हमें बमन ईरानी भी दिखाई देंगे, और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है जी स्टूडियो ने। दोस्तों, इस फिल्म का ट्रेलर हमें अक्टूबर के महीने में दिखाई दे सकता है, और इस फिल्म में हमें 1952 से 1962 का फुटबॉल की इंडिया की कहानी दिखाई देगी। तो दोस्तों, आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं? अगर आप इस फिल्म के लिए बहुत एक्साइटेड हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।